हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम, सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का एडुटैब टीचिंग परीक्षा में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग ईवीएस का सेशन करने वाले हैं, जिसमें बेस्ट 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ये क्वेश्चन आपके सभी स्टेट टेट एग्जाम में से उठाए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर हम इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, इस क्वेश्चन की टाइप को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इजिली अपने एग्जाम को क्रैक हम लोग कर पाएंगे। तो कैसे हो आप सब लोग? हेलो हेलो कृतिका, हेलो विक्रांत एंड हेलो अनमोल कुमार, बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग है फ्रेंड्स सबको, एंड आप सभी लोगों का स्वागत है क्लास में। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेस्ट 30 क्वेश्चंस की सीरीज है, उसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से सेशन के लिंक को कॉपी करने का एंड शेयर करने का, जितने भी लोगों में आप इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन। 30 क्वेश्चंस होंगे एंड लास्ट में रैपिड फायर रिवीजन टेस्ट भी होगा। आप सभी लोगों को इन 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जैसे आप अपने स्टेट टेट एग्जाम में बैठे हो, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। एंड देन लास्ट में मुझे 30 में से आपका कितना स्कोर रहा वो भी बताना, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं और हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। यह आपके पास आपका पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो आपका जमाकोत्रा माइन है इज फेमस फॉर, ठीक है। ये जो माइन है ये किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, जिंक के लिए या फिर यूरेनियम के लिए? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सभी लोग आंसर दें, सभी को गुड इवनिंग जो अभी सेशन में जुड़ रहे हैं। कम ऑन गाइस, लेट मी नो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। एंड इन केस अगर आपको ब्राइटनेस कम लग रही है तो मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देती हूं। चलो फ्रेंड्स, चलो, वेरी गुड, ऑलमोस्ट आंसर आने लग गए हैं। अनुराधा, अनमोल, रुचि वर्मा, सभी लोगों ने आंसर लगाना शुरू कर दिया है। तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रॉक फॉस्फेट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये जो माइन है ये राजस्थान में प्रेजेंट है, ठीक है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में ये माइन प्रेजेंट है। एंड फ्रेंड्स, ये माइन रॉक फॉस्फेट माइन है, ये ध्यान में रखिएगा। आपके स्टेट टेट रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, जिन भी लोगों को आइडिया नहीं है, जो लिख रहे हैं कि मैम आइडिया नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, आइडिया आप सभी लोगों को हो जाएगा, होने लग जाएगा। सारे क्वेश्चंस जब आप लोग अपनी आंखों से देखोगे ना, एक एक क्वेश्चन जब मैं आपको सेशन में करा दूंगी, तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे, ठीक है। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको करे हुए लगेंगे, डोंट वरी। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स रॉक फॉस्फेट माइन था, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन विच ईयर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है वो इंडिया में कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखो इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच विजयलक्ष्मी पांडे जी। एंड फ्रेंड्स, आप सभी सेशन ऑफिस से होंगे, ठीक है। आप लोगों ने मुझसे लाइट चैप्टर की रिक्वेस्ट की थी, मैं प्रॉपरली आपको लाइट का एक एक पार्ट करा दूंगी, साउंड भी करेंगे हम लोग, एंड साइंस को भी बहुत बढ़िया तरीके से लेके चलेंगे, एंड ईवीएस को भी बहुत बढ़िया तरीके से लेके चलेंगे। तो डोंट वरी, बढ़िया सेशंस होंगे, जस्ट सेशन में लाइव आना मत भूलिए, एंड जितना हो सके फ्रेंड्स लोगों को जोड़ो यार, जोड़ो। चलो आंसर आने शुरू हो गए हैं, दैट्स ग्रेट गाइस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1995। इसको ध्यान में रखना, ये दो बार आपके स्टेट टेट पेपर में पूछा गया है। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ठीक है, कॉमनली नोन एज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये लॉन्च हुआ था इंडिया में 1995 में, और ये दो बारी, एक साल में दो बारी होता है पोलियो ड्रॉप, दो बूंद जिंदगी के, आप सभी को पता है। तो ये पोलियो
का प्रोग्राम है जो 1995 में इंडिया में लॉन्च हुआ था। इस ईयर को याद रखना फ्रेंड्स, एंड जितने भी ईयर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे के सारे ईयर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलो जो भी ईयर्स मैंने अब तक आपको पढ़ाए हैं एक क्विक रिवीजन हो जाए, मुझे जल्दी से लिख के बताओ कि कौन से ईयर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं एंड आपको कौन से ईयर्स याद है। मुझे चैट बॉक्स में आप सभी लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए। फ्रेंड्स, विच इज नॉट द करेक्ट मैच, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोथ्स के रिलेटेड, ठीक है, आपके जो कपड़े हैं क्लोथ्स के रिलेटेड, ड्रेसेस के रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एक स्टेट टेट में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। एंड डोंट वरी, मैं जल्दी ही आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड करूंगी जिसमें सारे के सारे फेयर्स होंगे, ठीक है, जो मेले हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डांसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डांस फॉर्म्स की लिस्ट मैं आज लेके आई हूँ, ठीक है, एंड फेयर की लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी है प्लस क्लोथ्स की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करनी है। तो कम ऑन फ्रेंड्स, बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। एंड वेरी गुड रुचि वर्मा जी, 1973 टाइगर एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, दैट्स ग्रेट। एंड 1974 मैंने आपको पढ़ाया था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था, फिर टाइगर को, ठीक है, क्या कहते हैं, टाइगर को फिर प्यास लगेगी तो अगर वो गंदा पानी पिएगा तो पॉल्यूटेड वाटर पिएगा, तो क्या करोगे आपने प्रोजेक्ट कर, तो एक स्टोरी बनाई थी, एक लिंक अप वाटर की जो प्रिजर्वेशन है, ठीक है, वो 1974 में हुई थी। चलो गाइस, बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ओके, एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट, वेरी गुड पुष्पा, 1972 में फ्रेंड्स आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट था, ग्रेट। तो ये आपको सभी याद रखने हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आएंगे। मेथड वही रहेगा पढ़ाने का, लिंक लगाओ, लिंक लगाओ। मैं बार बार एक चीज बोलूंगी कि हमें लिंक्स लगाने हैं, चीजों को इंटरकनेक्ट इंटर रिलेट करना है, एक स्टोरी कहानी बनानी है एंड सब कुछ एक साथ लेके चलना है, रोज रोज रिविजन करनी है एंड याद करना है। जैसे वेरी गुड विक्रांत जी, 1986 एनवायरनमेंट एक्ट है, दैट्स ग्रेट। मैंने अब फ्रेंड्स देखो, यहां पे मैंने बोला प्रोजेक्ट टाइगर, अबे मैंने यहां पे टाइगर बोल दिया, तो अपन को याद रखना है कि 29th जुलाई वर्ल्ड टाइगर डे होता है, ध्यान में रखना ये टाइगर से लिंक, ठीक है। तो इस तरीके से सारे लिंक्स आपको जोड़ जोड़ के रखने हैं। चलो गाइस, ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, दैट इज पानू बाजू जो है, ठीक है फ्रेंड्स, वो वेस्ट बंगाल की ड्रेस नहीं है, वेस्ट बंगाल का क्लॉथ नहीं है, ये गोवा का है, ठीक है, ये याद रखना। एंड वेस्ट बंगाल का है आपका धोती, ठीक है, कुर्ता एंड लेडीज के लिए साड़ी, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, याद रखना। ये ड्रेसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं एंड वो क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी। Next question guys, which is not a correct match? अब friends, fair के साथ, ठीक है, कौन सी state का कौन सा fair है, कौन सा मेला है, ये सवाल paper में बहुत आते हैं and इसकी जो list है वो आपको जल्दी provide कर दी जाएगी। अगर आप उस list को याद कर लेंगे, ठीक है, and कौन सी state का कौन सा मेला, अगर अपन की सारी वो लिस्ट तैयार हो गई तो क्वेश्चन कोई भी बाहर से नहीं आएगा, आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बताएं गाइस, बताएं जल्दी से कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। एंड जिन भी मेरे फ्रेंड्स को इन केस नहीं भी आता, आप बोलो कि मैम मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो दिमाग में सोचोगे, थोड़ा सा तो आइडिया आएगा, कुछ तुक्का लगाने की कोशिश करोगे, वो भी लगाओ, लेकिन पार्टिसिपेट करो, आंसर दो, चाहे गलत आंसर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस आंसर लगाना है, ठीक है। अगर आप रॉन्ग आंसर दोगे मैं आपको करेक्ट करूंगी फ्रेंड्स, तो वो आपको याद रहेगा एंड लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। तो बताओ फ्रेंड्स, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मैच करेक्ट नहीं है, ठीक है। अंबाजी फेयर क्या गुजरात से है, मग फेयर क्या उत्तर प्रदेश से है, नैना देवी फेयर क्या असम से है, या भुवनेश्वर फेयर राजस्थान से है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा, इजीली इसके करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे, इजीली थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करो, हल्का सा दिमाग, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता और इन केस मुझे ना आता होता तो मैं क्या दिमाग लगा के इसको आंसर टिक करती। चलो ऑलराइट, आंसर आने लगे हैं फ्रेंड्स, तो लेट मी डिस्कस। ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर है, जो नैना देवी फेयर है वो असम से नहीं है, नैना देवी फेयर फ्रेंड्स हिमाचल से,
ठीक है, नैना देवी फेयर आपका हिमाचल प्रदेश से है, असम से नहीं है, ये याद में रखना। सपोज अगर मुझे पेपर में नहीं आता तो मैं क्या करती, मैं सोचती कि यार नैना देवी असम में थोड़ी ना, हम नैना देवी को पूजा करने जाते हैं, नैना देवी का मंदिर आपने देखा है, तो नैना देवी असम में थोड़ी ना है, तो वहां से मेरे दिमाग में आ जाता यार नैना देवी जब असम में नहीं है तो नैना देवी फेयर असम में काय को होगा। और मैं तुक्का वाइज अगर मुझे नहीं आता, कुछ तो लगा के आना ही है हमें, तो इसको ही करेक्ट लगा के आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है। ऑडियो विजुअल एड्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, तो ऑडियो विजुअल एड्स होती है वो बच्चों के लिए यूजफुल है। ठीक है, चार्ट एंड ग्राफ्स आर ऑडियो विजुअल एड्स, जो चार्ट होते हैं ठीक है यूज करती है, ग्राफ्स यूज करती है, वो ऑडियो विजुअल एड्स है। चार्ट्स आर यूजफुल ओनली इन सोशल स्टडीज, कि सिर्फ हम चार्ट को सोशल स्टडीज में यूज कर सकते हैं और किस सब्जेक्ट में नहीं यूज कर सकते। ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एफिशिएंसी इन टीचिंग, अगर हम अच्छी टीचिंग करना चाहते हैं तो हमें ऑडियो विजुअल एड्स की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कम ऑन गाइस, वेरी गुड विजय लक्ष्मी पांडे जी, नाइस। ठीक है, तो चलो ये बिल्कुल मिसेस मैक्स जी, अब हम लोग ऑफिस से ही क्लास लेंगे, बिकॉज पता है क्या था, छोटे से एरिया से क्लास लेके ना इतना मजा नहीं आता। ठीक है, आप इंटरैक्ट नहीं कर पाते, आपके पास एक ब्लैक बोर्ड नहीं होता, आप लिख नहीं पाते। ठीक है, तो वो एक कमी सी मुझे लगती थी, इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि स्पेशली चाहे ऑफिस जाना पड़े आपके सेशन के लिए, लेकिन सेशन आप स्टूडियो से ही होंगे। तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। एंड करेक्ट फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, की जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो यूजफुल होते हैं स्टूडेंट। अब ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, ऑडियो मतलब आप सुन सकते हैं एंड वीडियो मतलब आप देख सकते हैं। ठीक है, उन्हें ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। सपोज करो कि मैं बीइंग अ टीचर एक क्लास में गई, मैंने लेक्चर लेना शुरू किया, बच्चों को बोला बेटा किताब खोलने का, और मैंने धनाधन धनाधन लाइंस मार्क करके पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, एक एक बच्चे को बोला रीडिंग करो, तो कितना बोरिंग होगा, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा, बच्चे इंटरेस्ट से वो चीज को नहीं पढ़ पाएंगे। अगर मैंने क्या किया, एक छोटा सा क्लिप या छोटी सी मूवी, ठीक है, वो साइड पे लेके आई मैं, बच्चों को मैंने दिखाया कि बच्चों आज हम ओजोन डिप्लेशन का एक टॉपिक करने वाले हैं, एंड दिखाया कि जो रेज है वो नीचे आ रही हैं, ठीक है, ट्रैप हो रही हैं, डिप्लीट क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और वो सब जब ऑडियो विजुअल एड से दिखाया तो बच्चे को ज्यादा समझ आया, क्योंकि उसके ज्यादा सेंसेस उसमें यूज हुए फ्रेंड्स। ठीक है, वो सुन भी पाया, देख भी पाया, दिमाग से समझ भी पाया। तो जब ज्यादा सेंसेस यूज होते हैं तो हमें चीज अच्छी तरह से समझ में आती है। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लोगे आगे, मेन एम ऑफ इवैल्यूएशन इज, इवैल्यूएशन का मेन एम गाइस क्या है, मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करना, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, कि भैया हम इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं कि डिसिप्लिन रहे, इवैल्यूएशन करा मैंने, पेपर वेपर लिया, डिसिप्लिन रहा क्लास में। ठीक है, डिसिप्लिन कैसे रहा, कि बच्चे चुपचाप से पढ़ते रहे, मैंने बोला बेटा टेस्ट है, तो बच्चे चुपचाप से सोचा कि मैम टेस्ट है आज तो हम चुपचाप से पढ़ लेते हैं। ठीक है, या फिर टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ओनली, इवैल्यूएशन का मतलब है पेपर लेना है, सिर्फ पेपर लेने का अपन को कोई मतलब नहीं, बच्चे को आ रहा है नहीं आ रहा है, बस पेपर लो, इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट इज टू सेट क्वेश्चन पेपर ओनली, कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर को सेट करें, टू नो लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड ब्रिंग इंप्रूवमेंट। तो बताओ गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, कम ऑन फ्रेंड्स, बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है। एंड यस आप लोग लिख रहे हैं यार कैमरा थोड़ा सा इस तरफ को है, बट अगर मैं आप सेटिंग करने लगूंगी ना फ्रेंड्स तो मुझसे पक्का खराब हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए प्लीज थोड़ा सा होल्ड करो, आज के लिए एडजस्ट कर लो, आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें दिख जाएंगी, मैं कल से इसको परफेक्टली सेट कर लूंगी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज हम इवैल्यूएशन क्यों करते हैं, ताकि हम जान सकें कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है एंड उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, जब मैंने मॉक टेस्ट रखा, एक टेस्ट रखा, कोई पेपर रखा, तो मुझे पता चला कि आप सबके मार्क्स कम आए, समझ में आया कि यार ये टॉपिक मैंने शायद अच्छे से
पढ़ाया, मुझे इसमें एफर्ट्स लेनी चाहिए थी, मुझे इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था, शायद मुझ में कुछ कमी रह गई तो बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आया। तो टीचर की सेल्फ इवैल्यूएशन भी होती है, टीचर को भी पता चलता है कि शायद मेरे पढ़ाने में कुछ कमी थी, बच्चों के बारे में भी पता चलता है कि ये चीज हमने बच्चों को इतने अच्छे से नहीं पढ़ाई, एंड इससे उनकी इंप्रूवमेंट भी कर देते हम, ठीक है। बच्चों को भी पता चल जाता है कि यार इस चीज में कमी है, हम इंप्रूव करेंगे। एंड फ्रेंड्स, सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो आप बोलोगे, मैं फिर से बोल रही हूँ, आज लाइव खड़े होके हमेशा बोलती हूँ, जो आप बोलोगे, जो आपको पढ़ना है, जो टॉपिक आप करना चाहते हो, मुझे बता दो। सेशन जितना मर्जी लंबा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हफ्ते में जितने मर्जी सेशंस मुझे लेने पड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे एक्स्ट्रा सेशंस लेने पड़े, बट मैं लूंगी ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो, ठीक है। तो टेंशन मत लो, लाइट एंड साउंड की रिक्वेस्ट आई है, मुझे याद है इस वीक आपकी साउंड की रिक्वेस्ट पूरी होगी एंड नेक्स्ट वीक आपकी लाइट की रिक्वेस्ट पूरी होगी। अगर कोई और टॉपिक साइंस का या ईवीएस का आपको बहुत टफ लगता है, आपको नहीं आता, ठीक है, तो मुझे बताओ, आई विल मैनेज दैट, ठीक है, मैं आप लोगों को वो पक्का से पढ़ा दूंगी। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इंडिया में कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, कुछ ईयर्स हमें याद रखने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम इतने ईयर्स में कैसे याद करूंगा, इतने ईयर्स मेरे लिए याद करना मुश्किल है, तो टेंशन नहीं लेनी फ्रेंड्स, आपको ईयर्स को याद नहीं करना, बस सेशन अटेंड करना है, मैं बार बार ही बोल के आपको याद करा दूंगी। जैसे कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ एक्ट आई थी 1972 में कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके एक साल बाद सोचा कि यार टाइगर्स को प्रोटेक्ट करें, तो 1973 में टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया, प्रोजेक्ट टाइगर आया। उसके ठीक एक साल बाद सोचा कि अगर टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर लेंगे, टाइगर गंदा पानी पिएंगे यार अगर, उनका नुकसान है, तो उसके एक साल के बाद फ्रेंड्स 1974 में आपका वाटर को प्रिवेंट करने का एक्ट आया। इसी तरीके से मैं सारी बातें याद करा दूंगी, फटाफट से लिखो, डोंट वरी आंचल अर्चना जी, आपने बोला फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस होंगे एंड अच्छे से होंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज 1986, इसको ध्यान में रखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, ये ईयर हमें हमेशा याद रखना है। जितने भी ईयर्स आपको सेशन में आज मैंने पढ़ाए वो सारे ईयर्स को ध्यान में रखिएगा। In which of the following the garden cultivation is studied? कि हम garden की जो cultivation करते हैं वो कौन सी चीज, मतलब कौन सी study में होता है, botany में, horticulture में, geology में या anatomy में, बताएं friends इसका correct answer क्या है। जब मैंने CTET की class ली थी तो ये चीज मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाई थी। रीड की तैयारी करा दो, रिंकू जी फिकर मत करो, आप लोगों ने मुझसे friends एक request की थी कि मैम रीड GK हमें करा दो, रीड जीके से आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके रिलेटेड मैं कल ही आपको सेशन में करा दूंगी, ठीक है। आपकी जो रिक्वेस्ट होती है ना फ्रेंड्स, सर आंखों पर होती है, ठीक है, मैं दिल से आपके लिए अच्छा करना चाहती हूँ, सच में कह रही हूँ, ये कोई ये सेल्फिश मोटिव नहीं है कि यार ठीक है पढ़ा रहे हैं, पैसों के लिए पढ़ा रहे हैं, सैलरी आ रही है तो पढ़ा रहे हैं, एक दिल से अटैचमेंट है तुम लोगों के साथ, तो मैं दिल से आपके लिए अच्छा करना चाहती हूँ। तो रीड की आपने रिक्वेस्ट की थी, रीड GK राजस्थान GK से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी स्टेटेट वाले भी उसमें जुड़े, बिकॉज जो राजस्थान से रिलेटेड आप GK के क्वेश्चन करोगे वो आपके स्टेटेट में नॉर्मली भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एज स्टैटिक GK। कम ऑन, इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर B, दैट इज हॉर्टिकल्चर। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हॉर्टिकल्चर होता है उसमें गार्डन की कल्टीवेशन की जाती है, फिर एक पिसीकल्चर भी पढ़ाया था एंड पिसीकल्चर रीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो पिसीकल्चर में किस चीज की होती है फ्रेंड्स बताओ, पिसीकल्चर के बारे में बताओ कि जो पिसीकल्चर है उसमें किस चीज की, ठीक है, ये होती है। एंड यहां से मुझे एक चीज याद आई फ्रेंड्स, लिंक बी कीपिंग, ठीक है, जो हमारा बी कीपिंग होता है वो अक्टूबर टू दिसंबर के मंथ्स में किया जाता है, याद में रखना, ठीक है, मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है, बिहार में बी कीपिंग प्रैक्टिस की जाती है, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का नेशनल पार्क है जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर प्रेजेंट है। इसी तरीके से ये सारी चीजों को अपन लिंक कर करके पढ़ेंगे एंड पिसीकल्चर फिश की होती है, दैट्स ग्रेट गाइस, बहुत बढ़िया एंड करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड
एनवायरमेंट डे। देखो आप सोचोगे कि मैम ये क्वेश्चन आप हर सेशन में कराते हो, ठीक है, एंड हमेशा इसको रिपीट करते हो। फ्रेंड्स इसका रीजन पता क्या है कि आपके दिल दिमाग में ये क्वेश्चन बस जाए। आप गलती से भी गलत ना करो, ठीक है, कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड मैंने रिपीटेडली फ्रेंड्स रिपीटेडली देखो ईवीएस में बैठोगे, ठीक है, एनवायरमेंट स्टडीज है ईवीएस, अगर एनवायरमेंट डे की हमें नॉलेज नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है बहुत बारी पेपर में आता है मेरे मित्रों, प्लीज इसको भूलो मत। मुझे पता है कि आप सबको इसका आंसर पता है, वो है 5th जून। अच्छा चलो ये 5th जून तो आपको याद है, ठीक है, ओजोन डे कब आता है चलो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ये एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ओजोन डे कब आता है, और ये 5th जून आपको कभी नहीं भूलना हर एक स्टेट टेट, ठीक है, क्योंकि हम पेपर दे रहे हैं एनवायरमेंट स्टडीज ईवीएस। ईवीएस का पेपर देते हुए अगर हमें यही नहीं पता कि एनवायरमेंट डे कब आता है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे कब आता है फ्रेंड्स, ठीक है, और एनवायरमेंट डे कब आता है ये आपको बताना है फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा वर्ल्ड वाटर डे बताओगे ना अगर, ठीक है, 16 सितंबर, वेरी गुड रुचि वर्मा जी। 16 सितंबर को फ्रेंड्स ओजोन डे आता है, ठीक है, उस डे पे क्या होता है कि जागरूकता फैलाई जाती है कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि सन की अल्ट्रा वायलेट रेज सीधा पृथ्वी पर गिरेंगी। तो ओजोन डिप्लीशन डे 16 सितंबर को होता है, दैट्स ग्रेट। अब ओजोन डिप्लीशन डे की बात हुई तो एक और क्वेश्चन आपके लिए प्यारा सा मेरे दिमाग में आ गया कि यार ओजोन एटमोस्फेयर के कौन से लेयर में प्रेजेंट होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑन 22nd मार्च, आपको याद रखना है वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को, 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे, वेरी गुड फ्रेंड्स ये याद रखना, ठीक है। एंड 5th जून को होता है आपका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not true with respect to air? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं कि कौन सा सत्य नहीं है एयर के रिस्पेक्ट में। एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई, कि भैया जो वायु यान होते हैं वो उड़ते हैं। एयर हैज वेट, एयर का कुछ भार है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, वायु थोड़ा स्थान घेरती है। या फिर एयर हैज कलर, एयर का रंग होता है। तो इसमें से नॉट ट्रू पूछा है, पेपर में हमेशा याद रखना जब भी नॉट आए गलत आए तो आपको याद रखना। एंड दैट्स ग्रेट फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना कि जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ठीक है, वहां पर आपका क्या प्रेजेंट होता है, ओजोन, ठीक है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। एंड अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट लेयर आपका ट्रोपोस्फेयर है। ये दोनों बातें हमेशा ईवीएस से रिलेटेड, ईवीएस में इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, याद रखना। तो ओजोन की बात जब भी मैं करूं तो आपको याद रखना है ओजोन डिप्लीशन, ओके मैम। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, बढ़िया। एंड स्ट्रेटोस्फेयर में मेरा ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। एंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एयर हैज कलर। यार देखो एयरक्राफ्ट उड़ सकते हैं, सही बात है, तभी तो एयरक्राफ्ट बनाए हैं क्योंकि वो उड़ सकते हैं, सिंपल। उसके बाद एयर हैज वेट, बिल्कुल फ्रेंड्स, एयर के पास वेट भी है एंड एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। हम जब गुब्बारा भरते हैं, पहले गुब्बारा खाली होता है, जब आप बलून को भरते हैं तो बलून बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। कैसे एक्सपैंड होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर आ गई, वो इसीलिए एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो एयर जो होती है हमारी गाइस, ठीक है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस करती है, बिल्कुल, एयर का वेट है एंड एयर के पास कलर नहीं होता, ये याद रखना, एयर का कलर नहीं। एंड फिर से एक बार ताकि आपको याद हो जाए कि वर्ल्ड ओजोन डे, बिकॉज़ 2-3 बच्चों ने बीच में गलत लगाए, वर्ल्ड ओजोन डे मेरे दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। मैं 150 एक करोड़ बार बोलूंगी, आपको बोर कर दूंगी, लेकिन आपको याद जरूर कराऊंगी, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग ऑफ अ वॉच इज, जो आपकी घड़ी होती है, ठीक है, स्प्रिंग ऑफ अ वॉच होता है, उसमें किस प्रकार की एनर्जी प्रेजेंट होती है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी। स्प्रिंग ऑफ अ वॉच, ठीक है, घड़ी में एक स्प्रिंग प्रेजेंट है, पड़ा है स्प्रिंग, डला हुआ आपकी घड़ी में, ठीक है, तो कौन सी एनर्जी उसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी, मैंने साइंस में पढ़ाया है, वहां अगर आपने मेरी एक बात
ढंग से बारीकी से सुनी होगी, ठीक है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकेंगे। मैं साइड में हो जाती हूँ, लो मेरे दोस्तों मुझे बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या है। कम ऑन, जल्दी से बताओ। अरे क्या बात है मेरे दोस्तों, छा गए आप, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, सभी को एक्सीलेंट फ्रेंड्स। तो इसी बात पे आंसर नंबर वन इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। जो स्प्रिंग होता है ना फ्रेंड्स, स्प्रिंग ऐसा होता है, स्प्रिंग ऑफ अ वॉच में हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक हमारे पास, अब एक चीज याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी फ्रेंड्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, इसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मेरा अब पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्प्रिंग प्रेजेंट होती है, मैं आपको समझाती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी फ्रेंड्स लिंक बनाएंगे, ऐसा नहीं कि सीधा बताया इसका आंसर ए है हम चल दिए, लिंक बनाओ, एक एक चीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जैसे कि मैं आपको लिख के बताती हूँ। काइनेटिक एनर्जी होती है फ्रेंड्स मोशन की वजह से, मैं मूव कर रही हूँ मुझ में काइनेटिक एनर्जी है, मैं मूव करूंगी तो मुझ में काइनेटिक एनर्जी। मैंने यहाँ पर ये रिमोट को रख दिया एक हाइट पे, ये रेस्ट पर है रिमोट, वर्च्यू ऑफ रेस्ट पर, तो इस पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। इसी रिमोट को अगर मैं नीचे जमीन पे ले जाके रख दूं तो मैं बोलूंगी, आप बोलोगे कि मैम ये रिमोट रेस्ट पर है ना, जमीन पे ही तो रखा है आपने। मैं बोलूंगी नहीं, फिर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आप बोलोगे मैम अभी तो पढ़ा रहे थे रेस्ट की वजह से यार पोटेंशियल एनर्जी होती है, नीचे भी तो वो रेस्ट पे प्रेजेंट है, फिर क्यों बोल रहे हो कि इस पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इस पे तो होनी चाहिए। तो मैं आपको समझाऊंगी मेरे फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी होती है MGH। रेस्ट की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन कुछ हाइट होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। अगर इस रिमोट के पास एक हाइट है, ये रेस्ट पे प्रेजेंट है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इसको जमीन पे रख दूंगी, नो डाउट ये रेस्ट पे प्रेजेंट है, लेकिन इस पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइट नहीं है। अगर हाइट जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी MGH, ये H जीरो हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से है, मैं मूव कर रही हूँ, मुझ में एक काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स हाफ MV स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। जितनी वेलोसिटी आपकी चीज की ज्यादा होगी, जितनी तेजी से मैं मूव करूंगी उतनी ही मेरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये सारे लिंक्स आपको याद रखने हैं, बिकॉज साइंस में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको हर एक चीज की प्रोवाइड कर दी है, आप प्लीज इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। PDF EduTab CTET KVS चैनल पे मिल जाएगी, डाउनलोड मारो, PDF रखो, ठीक है, ठीक है। तो चलो गाइज, That's great. आ जाओ आगे। The House of Monkey, Lion and Rat. अब फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछते हैं कि मंकी के घर को क्या कहते हैं, लायन के घर को क्या कहते हैं, एंड एक रैट के घर को क्या कहते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज भी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हम अपना एक नंबर भी गवा नहीं सकते। अब मैं पेपर में जा रही हूँ पेपर देने, तो मुझे अपना एक मार्क्स भी नहीं गवाना, ठीक है। तो मुझे ये छोटी छोटी बातों का भी पता होना चाहिए। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। एंड एक चीज बहुत खुशी हुई देखकर आशीष कुमार जी, ठीक है, बहुत खुशी हुई ये चीज आपकी देखकर। और कुछ लोग जो बहुत सारे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज बहुत खुशी हुई आप लोगों की ये देखकर कि आप लोग क्या करते हो, जो चीज मैं बोलती हूँ ना, जो चीज मैं सेशन में पढ़ा रही हूँ, इनकेस अगर आपको वो चीज नहीं आती तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखते रहो। जैसे एक बच्चे का मैसेज देख के बहुत खुशी हो रही है कि वो अभी उसने लिखा 16 September इज वर्ल्ड ओजोन डे, दैट्स ग्रेट। थोड़ी देर पहले पढ़ाया लेकिन आप अभी भी उसको लिख लिख के रिवाइज कर रहे हो, बहुत खुशी होती है देख के। फ्रेंड्स याद रखिएगा ये चीज। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ट्री, मंकी का घर है, केव लायन का घर है, एंड बरो आपके रैट का घर है। गुफा में लायन रहता है, पेड़ पे मंकी रहता है, एंड बिल में आपका रैट रहता है। फुल फॉर्म ऑफ ATM इज, क्वेश्चन भी पेपर में पूछा था कि ATM की फुल फॉर्म बताओ, तो फ्रेंड्स बताओ ATM की फुल फॉर्म क्या होती है। एंड जितना हो सके सेशन को शेयर करिए फ्रेंड्स। आप नितिश चौधरी जी बार बार लिख रहे रीट का साइंस पढ़ा दीजिए मैम,
नितिश डोंट वरी, रीड में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनमें से एक टॉपिक है साउंड, ठीक है। इस फ्राइडे साउंड पे सेशन हो रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड मोशन में आपको पढ़ा रही हूँ। रीट में सभी स्टेटेट में से क्वेश्चन आते हैं एंड केवीएस में आते हैं, तो मैं केवीएस के लेवल का लेकर पढ़ा रही हूँ ताकि आपका सभी कुछ कवर हो जाए। तो डोंट वरी, मैं साइंस की भी फिक्र रख रही हूँ एंड ईवीएस की भी, डरने का नहीं है फ्रेंड्स, बस साथ जुड़ने का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है मेरे दोस्तों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन को एटीएम कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है, प्लीज इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत लोग करेक्ट आंसर लगा रहे हैं, दैट्स ग्रेट, एक्सलेंट। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक टेलर मशीन को एटीएम कहा जाता है। इन विच स्टेट ऑफ मैटर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज, ऐसी कौन सी मैटर की स्टेट है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी है, वो मिनिमम है, वो सबसे कम है, ऐसी कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है? कम ऑन गाइस, मुझे बताओ जल्दी गाइस, एक्सीलेंट, फटाफट से मुझे लगाए क्या करेक्ट आंसर है। और टेंशन मत लो फ्रेंड्स, रीजनिंग की क्लास भी आप लोगों की होगी, आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो रीजनिंग की क्लास होगी, जैसे ही केवीएस की नोटिफिकेशन आएगी आपकी रीजनिंग की क्लास भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो आप टेंशन मत लो। मुझे जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, क्या बात, एक्सीलेंट, आंसर आना शुरू हो गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। उन्होंने पूछा है विद स्टेट ऑफ मैटर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज मिनिमम, सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगा, ठीक है, लिक्विड में थोड़े दूर प्रेजेंट होते हैं एंड गैसेस में बहुत दूर प्रेजेंट होते हैं। ये गैसेस के हैं, ठीक है, गैसेस में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा दूर प्रेजेंट होते हैं। अब एक स्टेट होती है आपकी प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट क्या है? प्लाज्मा स्टेट भी गैसियस स्टेट है, लेकिन जो गैसेस है इसमें गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो चार्ज्ड है, ठीक है, ये रही आपकी प्लाज्मा स्टेट। मान लो इसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज, पे कुछ चार्ज पे प्लस चार्ज, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पास हो सकता है प्लाज्मा स्टेट से। प्लाज्मा स्टेट गैसीय स्टेट जैसी होती है, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो सकता है क्योंकि वो आयोनाइज्ड होती है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आयन्स, आयन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, उन पे चार्जेस होता है, ये फर्क होता है प्लाज्मा में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री का कौन से लीडरशिप के अंडर प्रिपेयर हुआ था? कम ऑन गाइस, लेट मी नो द करेक्ट आंसर। देखो रिंकू जी, रीट की जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो मैं आप लोगों को कवर करा दूंगी, एंड बाकी भी अगर आप लोगों को जरूरत महसूस हुई कि मैम जीके पढ़ाओ तो मैं वो भी पढ़ा दूंगी, आप लोग टेंशन मत लो। Come on guys, let me know इस question का correct answer क्या है, and जितना हो सके session को share कीजिएगा क्योंकि आपके according session लिया जाएगा, जो चीज आप मुझे बोलोगे वो चीज मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी, बस session में जुड़ा करो friends and live आया करो, आपसे बस एक ही विनती है, ठीक है, चलो okay, इसका correct answer है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑलमोस्ट सभी का करेक्ट है, हमें ये आंसर पता होना चाहिए, क्वेश्चन इससे पूछते। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not a union territory? आपको बताना है not a union territory. And कौन सी union territory है and कितनी union territory है, इनका number कितना है आपको ये भी बताना है क्योंकि हमें इसकी knowledge होनी चाहिए, बताओ। थैंक यू सो मच रिंकू जी, आप बोल रहे हैं रीड के लिए पढ़ा दीजिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, माय प्लेजर रिंकू जी, जो भी आप लोग बोलेंगे मैं सब कुछ पढ़ा दूंगी, ठीक है। मेरा नेम रितिका है, एम आर हसीब जी, ठीक है, मेरा नाम रितिका है, एंड आप जो बोलोगे ठीक है मैं वो पढ़ा दूंगी, आप बस टॉपिक का नाम लिख दिया करो मेरे पास, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में चैट होती है, जैसे ही सेशन बंद होता है कमेंट सेक्शन खुलता है, वहां पे टॉपिक का नाम लिख दो कि मैम ये टॉपिक पढ़ा दो, मैं ये नहीं प्रॉमिस करती कि आप आज लिखोगे मैं कल पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप आज लिखोगे एक हफ्ते के अंदर या फिर थोड़े टाइम बाद मैं पढ़ाऊंगी जरूर, ये प्रॉमिस हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स मणिपुर, मणिपुर एक स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन
कौन सी यूनियन टेरिटरी है एंड कितनी यूनियन टेरिटरी प्रेजेंट है इंडिया में, ये हमें पता होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि नंबर क्या है, कितनी यूनियन टेरिटरी प्रेजेंट है एंड कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, ये बताना है आपको। लिखो, सब लोग लिखो, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक हिंट दे दूं कि 8 यूटीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। कौन सी है ये 8 यूनियन टेरिटरीज, बताओ मुझे फटाफट से। कम ऑन गाइस, यस, देखो। अच्छा एक चीज और, जब भी आप सेशन में आए आपको एक बस एक एटीट्यूड के साथ आना है कि जो मैम पढ़ा रही है वो हमें सेशन से याद करके जाना है। घर के लिए अपन को बर्डन नहीं छोड़ना किसी भी चीज का, ठीक है। घर के लिए बर्डन नहीं होना चाहिए, जो पढ़ाया सेशन में याद करके जाना है। तो जो भी चीज, अब किसी को अगर अभी तक ओजोन नहीं याद ना कि ओजोन डिप्लीशन 16 सितंबर को होती है, तो वो भी अभी भी चैट बॉक्स में लिख के जा सकते हैं, ठीक है। चलो बड़े राजस्थान राजस्थान कर रहे हो, रीट्रीट राजस्थान से एक लिंक याद आया, राजस्थान के नेशनल पार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कौन से होते हैं। चंडीगढ़ लद्दाख जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार आइलैंड एक यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली एक हो गई है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप आइलैंड भी एक यूनियन टेरिटरी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारी यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी भी एक यूनियन टेरिटरी है, तो आपको ये सारी यूनियन टेरिटरीज पता होनी चाहिए। टोटल 8 यूटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज 100th एयरपोर्ट इज लोकेटेड। अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको पढ़ाया था, मैं देखना चाहती हूँ कि जो मैंने पढ़ाया था वो आपको कितना याद है। मुझे लिख के बताओ कि जो हमारा 100th हमारा जो 100वां एयरपोर्ट है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है एंड उस एयरपोर्ट का नाम क्या है। एंड राधा जी वेरी गुड, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं फ्रेंड्स, राजस्थान, अपन को लिंक लगाते चल रहा है। राजस्थान एक हॉट डेजर्ट है, राजस्थान एक गर्म रेगिस्तान है, एक हॉट डेजर्ट है, ठीक है। राजस्थान के जो घरों की छतें होती है फ्रेंड्स वो थॉर्नी बुशेस कटीली झाड़ियों की बनी होती है, सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्टेटेट में भी आ सकता है, ठीक है। कटीली झाड़ियों की जो होती है वो हमारे राजस्थान की घरों की छतें बनी हुई होती है। अब जो दीवारें होती है उनको काओ डंग से लीप पोत के सुंदर बनाते हैं, क्यों, ताकि इंसेक्ट घरों के अंदर ना आ सके, ये भी याद रखना। अब राजस्थान का जो स्टेट एनिमल है वो कैमल है, ठीक है। राजस्थान की स्टेट बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, और अगर कोई मुझसे राजस्थान के नेशनल पार्क पूछे तो वेरी गुड, आप सभी को पता है केवला देव नेशनल पार्क जिसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है गाइस। जो लोग मेरे साथ सेशन में नए जुड़े हैं, अगर उन्हें नहीं भी ये चीजें आती तो बस सेशन लगाओ, रोज रोज मेरी बातें सुनो, ये मेरा तो डेली का ही है फ्रेंड्स, ये मैं रोज बोलती हूँ, आदत है, मैं रोज बोलूंगी आपको याद हो जाएगा। केवला देव नेशनल पार्क, सारिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर्स, डेजर्ट नेशनल पार्क एंड दराह नेशनल पार्क राजस्थान के नेशनल पार्क्स हैं। तो कम ऑन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सिक्किम। जो 100th एयरपोर्ट है वो सिक्किम में है एट 4646 फीट, ठीक है। 4646 फीट पर जो पैंगयोंग एयरपोर्ट है ये वन ऑफ द 5th हाईएस्ट, पांचवा हाईएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया में, और ये एयरपोर्ट कहाँ प्रेजेंट है, हमारा सिक्किम में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ना ये बनाते बनाते क्या कुछ नॉर्थ ईस्टर्न आ गया था लिखा हुआ। अब आपको पता है कि जब मेरे को कोई ऐसा वर्ड दिख जाता है जिससे रिलेटेड हमने पढ़ा है तो मेरी गरारी अड़ जाती है कि हम उससे पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फ्रेंड्स मणिपुर आते हैं, ठीक है, और बहुत सारी स्टेट्स आती है, असम आता है। असम के जो नेशनल पार्क है वो है दिब्रू साइकोवा, मानस, नामेरी, औरांग, काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे असम राज्य के नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हॉर्न डायनासोरस को प्रोटेक्ट किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, वेरी गुड। टी असम से फेमस है बिहू, बहुत इंपॉर्टेंट, असम का डांस एंड फेस्टिवल है। फ्रेंड्स चिराव डांस कहाँ का है, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ चिराव डांस कहाँ का है, एंड वेरी गुड, ठीक है। जो भी आप नेशनल पार्क लिख रहे हैं दैट्स ग्रेट, नौटंकी और रोहतांग नेशनल पार्क नागालैंड का नेशनल पार्क है एंड बेटला झारखंड का नेशनल पार्क है, वेरी गुड अनुराधा जी, ठीक है, वेरी गुड ज्योति यादव, एक्सीलेंट गाइस। तो चलो ये याद रखना कि सिक्किम में 100th एयरपोर्ट बना था और इसका नाम पैंगयोंग एयरपोर्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, ये आपको एक पोजीशन दी है एक्स ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। ये मैंने अभी मोशन का टॉपिक पढ़ाया ना तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगी और पूछूंगी पक्का, ये देखूं कितना याद है। पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, एक सीधी लाइन में, ये एक्स पार्टिकल है फ्रेंड्स मेरा, ठीक है, एक सीधी लाइन में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। उन्होंने इक्वेशन दे दी x = 2 6t² - 5t,
जिसमें उन्होंने एक्स बता दिया मीटर में है, तेरा टी बता दिया टाइम है, सेकंड में है, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आपको निकालनी है। तो बताओ गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बड़ा बच्चे बताएं। एंड वेरी गुड सिंपल ट्यूटोरियल जी, एक्सीलेंट। मिजोरम चिराउडास जो है वो मिजोरम से फेमस है, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन साइड हो जाते हो, जब तक आप क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, ठीक है, तो मेरा फर्ज बनता है गाइस मैं आपको कुछ याद कराऊं, है ना। चिराउडास फ्रेंड्स मिजोरम राज्य से फेमस है, ठीक है। जब भी मिजोरम के लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं ना, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, सॉल्व करो, कानों से सुनते रहो, क्योंकि अगर आप सुनते रहोगे ना फ्रेंड्स तो आपको याद होता रहेगा, ठीक है। अब जो भी लोग हैं मिजोरम के वो क्या करते हैं, जब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, झूम खेती करते हैं। अब झूम खेती से मुझे याद आया कि झूम खेती में क्या होता है, एक खेत को चूज किया जाता है, एक एरिया को, उस एरिया को, उस एरिया पे जो भी बैम्बूज प्रेजेंट है एंड उस एरिया पे जितने भी वीड्स प्रेजेंट है उन सबको काटेंगे हम, ठीक है। बैम्बूज एंड वीड्स को हम काटते हैं, खरपतवार को और बांस को काटते हैं, काटने के बाद उस खेत को जला देते हैं। जलाने के बाद वो काटते क्यों है फ्रेंड्स, काट के जलाते इसलिए है, जब हम काट के जलाएंगे तो उसकी छोटी छोटी चीजें वहां प्रेजेंट होंगी ना, छोटा छोटा पार्ट, जब वो जलता है तो वो सारा का सारा जो उनकी न्यूट्रिएंट्स हैं वीड के और खरपतवार के सॉइल में मिल जाते हैं। वहां पे खेती जब फसल उगाते हैं मस्त फसल उगती है, और जब उस फसल को काटते हैं तो मिजोरम के लोग चिराव डांस करके सेलिब्रेट करते हैं। याद रखना मुरलंग एंड फांगपुई वहां के नेशनल पार्क है, दैट ग्रेट गाइस। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू है। जब भी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप एक क्वेश्चन का आंसर दोगे उतने में मैं आपको चार और चीजें याद और रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, मल्टीपल रिवीजन होगी यारों, और दूसरी चीज क्या होगी, अपन का याद भी होता रहेगा यार। तो चलो ये क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब फ्रेंड्स हमें ये पता चल गया कि इन्होंने हमें क्वेश्चन क्या दिया कि एक एक्स पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक्स को उन्होंने मीटर में दे दिया, मुझे दिमाग में खनक गया कि एक्स मीटर में दे दिया मतलब ये वाली टर्म मुझे डिस्टेंस दे दी। मुझे समझ में आया कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई चीज मूव कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है, यार पार्टिकल में मोशन हो रहा है। जब यार पार्टिकल में मोशन हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो अपन लगाएंगे, लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है मुझे पता है, v = u + at, s = ut + half at square, v square minus u square = 2as। ये तीनों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, जिसमें ठीक है s होता है, v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन एंड t होता है टाइम, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे पता चल गई। कभी कभी न्यूमेरिकल में दिया हो कोई चीज रेस्ट से चली तो याद में रखना यार, जब कोई चीज रेस्ट से चलेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि पहले वो रुकी हुई है, रेस्ट पे है। ये कुछ हिंट्स, कुछ कोड्स हैं जो हमें हमेशा पता होने चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक स्क्वायर वाली टर्म है, मैंने तीनों इक्वेशन से कंपेयर किया तो स्क्वायर सिर्फ इसी में मिला, मुझे पता चल गया कि मैं इक्वेशन नंबर टू को यूज करने वाली हूँ, ओके, ठीक है। हाफ ए टी स्क्वायर मतलब ये वाली टर्म को मैं कंपेयर करूंगी, डिस्टेंस है वो मेरा x है और मुझे ऑलरेडी दिया है कि x मीटर के अंदर है, ये वाली टर्म मेरी ये है, मुझे पता चल गया 6t स्क्वायर तो मुझे मिल गया। अब मुझसे उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी पूछा है यानी कि u पूछा है एंड इक्वेशन में s = ut + half at स्क्वायर होता है, तो ये रहा मेरी टर्म ut, ut = -5t जिसमें t हुआ t एंड u जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो आई माइनस फाइव, इसका ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर आया। आपको इस तरीके से इक्वेशंस को कंपेयर करने को भी पेपर में पूछा जाता है एंड बिल्कुल ये एग्जाम में आया था अनुराधा जी, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं आप, इक्वेशंस को कंपेयर करने से भी पूछा जाता है। एंड आशीष कुमार जी एक्सीलेंट, हैट्स ऑफ, वो अभी भी रिवाइज कर रहे हैं कि 22 मार्च को गाइज वर्ल्ड वाटर डे होता है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और वाटर प्रोटेक्शन एक्ट 1974 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है और याद करते रहो और रिवाइज करते रहो। ग्रेट गाइस, ओके आगे चलते हैं। ओके
नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. इन सभी विटामिन्स में जो भी डेफिशिएंसी होती है वो सब मैं आपको बताऊंगी. पहले आप मुझे बताओ कि नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आता है. स्टेट टेट का सवाल है. वेरी गुड. बिहार से अलिथि चौका, मधुबनी पेंटिंग एंड छत पूजा. वेरी गुड संध्या शर्मा जी, एक्सलेंट. थैंक यू सो मच रुचि जी. आप बोल रहे पानी पी लीजिए, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हो. फ्रेंड्स देखो, पढ़ाना मेरा पैशन है, बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, कभी आप मुझे बोलते हो ना मैम ये चीज करा दो, तो मुझे होता है मैं कराऊंगी, तो मुझे खुशी होती है. मैं कभी थकती नहीं, जितनी मर्जी क्लासेस लगवा लो मुझसे. ठीक है, बस यार टाइम की कमी हो जाती है यार, और काम भी होता है ना. तो मैं ऐसा नहीं, तो मेरा बस चले ना मैं पूरा दिन यूट्यूब पे क्लासेस ले लूँ आपकी. चलो ओके गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है. नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी नाम की डिजीज होती है. ठीक है, डी की वजह से रिकेट्स होता है. ठीक है, एंड बी से हमारा बेरी बेरी होता है. नो डाउट फ्रेंड्स, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है. विटामिन ए की कमी की वजह से लॉस ऑफ विजन हो जाता है, पुअर विजन, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. रात के समय में हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता. ठीक है, तो विटामिन ए की वजह से लॉस ऑफ विजन होगा, पुअर विजन. विटामिन बी वन की वजह से फ्रेंड्स बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है. हमारी जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वो वीक होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाते हैं. विटामिन सी की कमी की वजह से गाइस स्कर्वी नाम की बीमारी होती है. हमारे जो गम्स हैं, दांत के ऊपर का एरिया, ये ब्लीड होने लग जाता है, तो स्कर्वी नाम की बीमारी होती है. ओके, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स. जो आपकी बोन्स हैं सॉफ्ट होने लग जाती हैं, बेंट होने लग जाती है. अब बोन्स कमजोर होंगी, थोड़ा सा भी गिरोगे हड्डी टूट जाएगी, इसलिए विटामिन डी का ख्याल रखो फ्रेंड्स. विटामिन डी से याद रखना, कैल्शियम से बोन एंड टूथ डीके होता है, वीक बोन्स हो जाते हैं, टूथ डीके होता है. आयोडीन से गोइटर होता है फ्रेंड्स. एंड एक सवाल मुझे याद आया, मैंने आपको पढ़ाया आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आयोडीन, आयोडीन जिस व्यक्ति को, चलो बाद में पूछते हैं. ठीक है, स्वॉलन ग्लैंड्स इन द नेक. ठीक है, जो स्वॉलन ग्लैंड्स है नेक में, वो होता है गोइटर नाम की बीमारी. आयरन, आयरन की वजह से अनीमिया होता है एंड वीकनेस आती है. अब आयरन से रिलेटेड, ठीक है, आयरन से रिलेटेड मान लो ये डॉक्टर है, आप में से किसी को आयरन की कमी है, तो डॉक्टर आपको क्या कुछ खाने को बोलेगा, कि बच्चे आपको अपनी डाइट में क्या कुछ ऐड करना चाहिए, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. ठीक है, वेरी गुड फ्रेंड्स, नाइस. जो आप नेशनल पार्क्स लिख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया. मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, फौसल, कूनो, ऐसे हमें याद होने चाहिए. ठीक है, ऐसे आपको फ्लो में याद होने चाहिए. चलो गाइस, ये हुआ. अब आयरन, अनीमिया, अनीमिया की कमी जिसको होती है, तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि जैगरी खाएं, गुड़ खाएं, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, एंड आंवला जरूर खाएं अपनी डाइट में. ठीक है, तो आप सब लोग इन चीजों को ऐड करें. नेक्स्ट फ्रेंड्स, कथकली इज द मेन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट. अब डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एक लिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगी कि कौन से डांस फॉर्म कौन सी स्टेट से हैं. सेशन में एंड तक जुड़ना, बिकॉज अभी 10 क्वेश्चंस तो बचे हैं, उसके बाद हमने रैपिड फायर रिविजन टेस्ट भी खेलना है. वो खेले बिना आप लोग सेशन से नहीं जाओगे. फटाफट से बताओ गाइस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर. कथकली इज द मेन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट. ओके, आंसर आ रहे, सोच लो, गलत आंसर मत देना, सोच लो. जिन्हें भी सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन में जुड़े हैं, प्लीज लाइक बटन को प्रेस कीजिए. ठोको यार लाइक, दिल खोल के ठोको. ठीक है, तो चलो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज केरला. कथकली है गाइस केरला का डांस फॉर्म है. अब ये रहे डांस फॉर्म्स, एंड आपको ये डांस फॉर्म्स इन इंडिया याद करने हैं. ठीक है, डांस एंड स्टेट, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, कथकली केरला, मणिपुर मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश, गरबा इज गुजरात, बिहू असम, असम, डिब्रू साइगोवा, मानस नामेरी ओरांग, मौनीअट्टियम केरला, बैंबू इज फ्रॉम मणिपुर, चिराओ मिजोरम. फ्रेंड, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जब भी होती है तो चिराओ डांस होता है, घेमर हरियाणा से है, रॉफ एंड दामेली जम्मू कश्मीर, और लवनी महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है. ये आपको सारी बातें ध्यान में रखें. ठीक है, एक सेकेंड रुको,
है, तो ये रॉ फेन दामिनी जम्मू कश्मीर एंड लवनी महाराष्ट्र, वर्ली ट्राइब एंड वर्ली पेंटिंग्स आपकी महाराष्ट्र से है, याद रखना। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, ये भी याद रखना, ठीक है। और मणिपुर से है बैम्बू, ये सारी बातें फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, और ये सारी बातें याद भी रखनी। चलो आगे फ्रेंड्स, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज बीन ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मैक्सिमम जो ओजोन डिप्लीशन है वो कौन सी स्टेट में, कौन सी जगह पर, ठीक है, देखा जाता है, बताओ। इक्वेटर के पास मैक्सिमम डिप्लीशन है ओजोन की, नॉर्थ पोल के पास है, साउथ पोल के पास है, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताओ गाइस। थैंक यू सो मच विजयलक्ष्मी पांडे जी। गाइस प्लीज जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिए। एंड आंध्र प्रदेश की बात हुई थी यार, मैंने आपको बताया नहीं, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है श्री वेंकटेश्वर एंड पापीकोंडा नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान में रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स, कि जो मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन है वो कहां पर ऑब्जर्व की जाती है, इक्वेटर के पास, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ये आप लोगों को बताना है, तो चलो जल्दी से बताओ। अच्छा फिर देखो, ओजोन की बात आ गई, ठीक है, तो आपको अब एक बारी सभी लोग मुझे वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है, वर्ल्ड ओजोन डिप्लीशन डे कब होता है, पहली बात लिख के बताओ। दूसरी बात, ओजोन लेयर, ओजोन जो है वो कौन से एटमॉस्फेयर के लेयर में प्रेजेंट है, ये दूसरी बात आपको मुझे लिख के बतानी है, एंड ये क्वेश्चन का आंसर तो देना ही देना है, ठीक है। चलो गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज साउथ पोल, याद में रखना, ठीक है। ओवरऑल जो ओजोन डिप्लीशन है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे लैटिट्यूड विद द लैटिट्यूड विद लो लेवल ऑफ डिप्लीशन एट द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना है कि जो साउथ पोल है उसकी तरफ मैक्सिमम डिप्लीशन है, अंटार्कटिका के बारे में आपने सुना होगा उसमें मोस्ट सिवियर ओजोन होल फॉर्म हो चुका है, तो अगर मैं बात करूं तो साउथ पोल में मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हुई है, एंड हमारा वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, एंड ओजोन लेयर मेरा स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। अगर मैं लेयर की बात करूं जो अर्थ के सबसे पास है या पहला लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये रहा द फर्स्ट आवर ऑफ बिजनेस ऑफ द लोकसभा इज नोन एज, जो पहला आर होता है बिजनेस का लोकसभा का उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। चलो कम ऑन फ्रेंड्स, एंड जिनको भी जो भी बातें नहीं याद आ रही वो लिखते रहो। अनुराधा जी मस्त है, वेरी गुड अनुराधा जी। तमिलनाडु के नेशनल पार्क को याद कर रहे हैं, गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी एंड पलानी हिल्स, जो नेशनल पार्क है तमिलनाडु के, दैट्स ग्रेट फ्रेंड्स। एंड आपकी केरला के नेशनल पार्क में शोला 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 आता है, ठीक है, अनामुदी शोला, मत्थी केतन शोला, ठीक है। कम ऑन गाइस, ये बताओ मुझे फर्स्ट आर जो होता है बिजनेस ऑफ लोकसभा उसको क्या कहते हैं, जीरो आर कहते हैं, पब्लिक आर कहते हैं, प्रिविलेजेस आर कहते हैं, या फिर क्वेश्चन आर कहा जाता है। अनुराधा जी नो आइडिया कह रहे हो आप, फिर भी कुछ आंसर लगाओ, कुछ तो आंसर लगाओ। अब हम अगर हमें आइडिया नहीं भी होता तो तुक्का तो पेल के आते हैं ना पेपर में, तुक्का ही लगा दो, ठीक है। कम ऑन, क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो मैं शेयर करती हूँ, इसका करेक्ट आंसर है गाइस क्वेश्चन आर। अब देखो सबसे फर्स्ट आर होता है, फर्स्ट आर वो होता है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर में क्या होता है फ्रेंड्स, देखो अब जो पार्लियामेंट है, ठीक है, अब पार्लियामेंट में क्या होता है क्वेश्चन आर, फर्स्ट आर जो होता है क्वेश्चन आर होता है। क्वेश्चन आर में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है, जो भी मिनिस्टर्स बैठे होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ, उस आर को क्वेश्चन आर कहते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, कुछ अनस्टार्ट होंगे, ठीक है, या कुछ शॉर्ट टाइम दिए जाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। आप ओरली कुछ क्वेश्चंस का आंसर ओरली देना पड़ता है,
कुछ क्वेश्चन का आंसर रिटर्न देना पड़ता है, जो क्वेश्चन आर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर्स मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जिनका शॉर्ट नोटिस पीरियड दिया जाता है कि ये क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, 10 दिन पहले आपको बता देंगे ताकि आप अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें। तो पहला आर जो होगा मेरे दोस्तों वो होगा आपका क्वेश्चन आर, उसके बाद नेक्स्ट आर आपका जीरो आर आता है, तो ये याद रखना बिकॉज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। Who is the founder of Sikh religion? Sikh religion का founder कौन है? गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव जी या फिर गुरु नानक देव जी, बताओ। बताओ गाइस, क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, आई होप जो पुराना क्वेश्चन था क्वेश्चन आर के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आर के बाद फ्रेंड जीरो आर होता है। अब इसको जीरो आर क्यों कहते हैं? क्योंकि 12 बजे शुरू, एक ब्रेक टाइप का होता है। क्वेश्चन आर को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जीरो आर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद एजेंडा डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहला आर क्वेश्चन आर होगा जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स मिनिस्टर से सवाल पूछेंगे, जो भी सवाल वो पूछना चाहते हैं। ठीक है, चलो ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंड्स, जो एक सेकेंड, गुरु नानक देव जी है, उन्होंने सिख रिलीजन को, वो फाउंडर थे सिख रिलीजन के। क्वेश्चन भी आपके स्टेट टेट में पूछा है, द इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक, जो हमारा अर्थक्विक होता है उसकी इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है उसका नाम बताओ। जिन भी दोस्तों ने मेरा सेशन लगाया है गाइस, उन्हें पता है इसका आंसर क्या है, कम ऑन फटाफट से लगाओ, और करेक्ट आंसर चाहिए मुझे। फ्रेंड्स आप लोग पूछ रहे कितनी क्लास होगी, फ्रेंड्स देखो 30 क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद रैपिड फायर खेल लेना थोड़ी सी, मैंने आपके लिए स्पेशल एक गेम बनाई है बड़ी मेहनत करके यार, वो गेम जरूर खेल के जाना, उस गेम के थ्रू हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, मजा आएगा, लास्ट तक जरूर जुड़ना, एंड फ्रेंड्स ठीक है ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ। ठीक है, आपको याद रखना है जो सिस्मोग्राफ होता है वो मेजर करता है कि अर्थक्विक की इंटेंसिटी, मैंने आपको सीटेट पढ़ाते हुए बताया था अगर अर्थक्विक की वैल्यू रिक्टर स्केल पर, रिक्टर स्केल मापता है, रिक्टर स्केल भी मापता है, ठीक है, अगर अर्थक्विक की वैल्यू रिक्टर स्केल पर 6 से ज्यादा आ जाए फ्रेंड्स तो वह अर्थक्विक हार्मफुल माना जाता है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म्ड बाय लावा, लावा से आपको पता है ना वोल्केनो होता है, ठीक है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ज्वालामुखी फटता है, ठीक है तो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उससे कौन सा सॉइल बनता है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल या लेटराइट सॉइल। ठीक है, एंड फ्रेंड्स जो भी आप रिक्वेस्ट लिख रहे हैं डोंट वरी, इसके बारे में मैं जरूर बात करूंगी, एंड इन केस अगर कोई भी पिक्चर ब्लर हो डोंट वरी फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन को मुझे बता दो, मैं उस क्वेश्चन को बोलकर आपको रिपीट कर जरूर बता दूंगी। कम ऑन गाइस, लेट मी नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्मड बाय लावा, लावा से कौन सा सॉइल फॉर्म होता है, बताओ। एंड लास्ट तक जुड़ना, रैपिड फायर खेल के जाएंगे यार, बस थोड़ी सी देर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ब्लैक सॉइल, जो ब्लैक सॉइल होता है वो फॉर्म होता है, ठीक है, लावा से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइटन इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द प्लैनेट, बताओ। टाइटन एक नेचुरल सैटेलाइट है, कौन से प्लैनेट की नेचुरल सैटेलाइट है? सैटेलाइट उपग्रह का मतलब क्या होता है, अगर किसी बॉडी के आर पर कोई चीज चक्कर लगाती है तो उसको अपन सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है, जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है, मैं बोलूं हमारी नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो हम बहुत सारे ऊपर भेजते रहते हैं फ्रेंड स्पेस में, ठीक है, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट मून है, ठीक है, जो अर्थ के आर पर चक्कर लगा रही है। अब आपको बताना है कि टाइटन नाम की एक नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन से प्लैनेट की है, बताओ कौन से प्लैनेट की है फ्रेंड्स। अरे क्या बात है, छा गए मेरे वीरो, मजा आ गया, वो आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सैटर्न। ठीक है, सैटर्न जो है फ्रेंड्स उसकी सैटेलाइट जो है उसका नाम है टाइटन। अब ये चीज ध्यान से पढ़ो, नॉलेज वाली है, सैटर्न जो है वो लार्जेस्ट मून है, ठीक है, सैटर्न का जो लार्जेस्ट मून है वो है टाइटन, एक आईसी है, ठीक है, जिसका जो सरफेस है वो गोल्डनिश कलर का होता है, ठीक है, हेजी गोल्डन एटमॉस्फेयर होता है। टाइटन फ्रेंड्स सेकंड लार्जेस्ट मून है, अगर आपसे पूछे है कि सेकंड लार्जेस्ट मून कौन सा है, बिल्कुल एकदम सेकंड लार्जेस्ट मून सभी में, तो टाइटन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम में, पूरे सोलर सिस्टम में सेकंड लार्जेस्ट मून हमारा टाइटन है, याद में रखना। ठीक है,
ओनली जुपिटर्स मून, ठीक है, गैनीमेडी इज लार्जर, सबसे बड़ा है ये गैनीमेडी, उसके बाद है हमारा टाइटन। टाइटन इतना बड़ा होता है कि हमारा जो अर्थ का मून होता है उससे भी बहुत बड़ा होता है, एंड इवन मर्क्यूरी प्लैनेट से भी बड़ा होता है, बहुत बड़ा मून है, ठीक है। सेकंड, ठीक है, लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का टाइटन, टाइटन सैटर्न का मून है, याद रखना। एंड कोड मैंने आपको बताया था, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स भी होते हैं फ्रेंड्स, बट प्लूटो को बाहर कर दिए सोलर सिस्टम से, तो जस्ट शोड अस 9, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गंगा एक्शन प्लान लॉन्च टू इम्प्रूव, गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था, स्पर्श गंगा अभियान भी मैंने पढ़ाया आपको सीटेट में, ठीक है, वो गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं, कम ऑन गाइस, हंसराज जी बोले थोड़ा हिंदी में बोली, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हिंदी में भी मैं ले आऊंगी, जैसे मैं अभी जो बोल रही हूँ फ्रेंड्स वो हिंदी में ही बोल रही हूँ, थोड़ा और हिंदी को यूज कर लेती हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो चलो, द गंगा एक्शन प्लान लॉन्च टू इम्प्रूव वाटर की क्वालिटी, वाटर वेलोसिटी, वाटर क्वांटिटी, या फिर वाटर का टेम्परेचर, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जो गंगा एक्शन प्लान था उसका तो मेन एम था वो था वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, और जब वाटर वर्ड आया तो मुझे याद आ गया यार मार्च 22 वर्ल्ड वाटर डे होता है, याद आ गया मुझे, स्पर्श गंगा अभियान, गंगा को क्लीन करने के लिए अभियान चलाया गया था, मुझे ये भी याद आ गया, ठीक है। उसके बाद वाटर से मुझे याद आ गया कि वाटर को साफ करने के लिए एक प्लान स्टार्ट हुआ था 1974 में, ये भी मुझे याद आया। फिर मुझे याद आया यार यहीं से कि 1973 में यार इसे एक साल पहले प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ठीक है, मुझे ये भी याद आया। फिर मुझे टाइगर से याद आया कि जो मध्य प्रदेश है ना एमपी, वो टाइगर स्टेट होती है, मध्य प्रदेश एमपी को टाइगर स्टेट कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइगर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर टाइगर से मुझे एक और बात याद आई फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड टाइगर डे होता है ना 29 जुलाई को मनाया जाता है, आपको ये भी याद आ गया होगा। 29 से मुझे एक बात याद आई कि जो कर्ण महालेश्वरी है उन्होंने 29 मेडल्स जीते थे इंटरनेशनल इवेंट में, आंध्र प्रदेश की है, 130 kg तक का वेट उठा लेती है, एंड आंध्र प्रदेश से। फिर मुझे एक और बात याद आई फ्रेंड्स, ऐसे आपको लिंक करते करते जोड़ना है कि श्री वेंकटेश्वरा एंड पापीगौंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क है, ठीक है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जो है उसमें पोचमपल्ली एंड कलमकारी साड़ी जो है वहां से फेमस है, ये भी अपन को याद करने का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। तो फ्रेंड्स ये था आंध्र प्रदेश से रिलेटेड सारी कहानी, एंड डोंट वरी फ्रेंड्स, जो आप हिंदी का कह रहे हैं मैं हिंदी में भी स्क्रीनशॉट्स ले आऊंगी, आज के लिए माफ कर दो, अगली बार हो जाएगा, ठीक है। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सी सेपरेट यूरोप एंड अफ्रीका, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं लिख दूं, ऐसी कौन सी सी है जो यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है, ठीक है। आपके पास है ऑप्शन में एक रेड सी, दूसरी है ब्लैक सी, तीसरी है अरेबियन सी, चौथी है मेडिटेरेनियन सी, बताओ फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कैसे अगर आपको नहीं दिख रहा, आई होप वैसे दिख रहा होगा, बट अगर नहीं दिख रहा तो इसके लिए मैंने लिख भी दिया, कम ऑन बता दो, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। जरा आपका यूरोप, जरा आपका अफ्रीका, इन दोनों को मेडिटेरेनियन सी जो है वो गाइस सेपरेट करती है। नेक्स्ट, एन एंडेंजर्ड एनिमल जाइंट पांडा इज फाउंड इन, एंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं, अगर हमने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, संभाला नहीं, तो वो खत्म हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। ग्रेट पांडा जो है फ्रेंड्स, जाइंट पांडा, वो कहां पर फाउंड होता है बताओ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना की, ब्राजील, बता दो जल्दी से बता दो, बस दो ही रह गए, फटाफट से खत्म करते हैं फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चाइना। जो एंडेंजर्ड एनिमल है जाइंट पांडा वो चाइना में फाउंड होता है। नेक्स्ट, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन, इसके बाद रैपिड फायर खेलेंगे। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहले गिर के बारे में बता दूं कि ये गुजरात से, ठीक है, गुजरात से है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका ये किस चीज की कंजर्वेशन करती है, कौन से एनिमल की, एलिफेंट की, स्नेक की, राइनोसोरस की, या फिर लायन की,
राइनोसोरस से मुझे याद आया कि जो वन हॉर्न्ड राइनोसोरस है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। असम के बाकी नेशनल पार्क है दिब्रू साइखोवा, मानस, नामेरी और राम काजीरंगा नेशनल पार्क। फ्रेंड्स इसी तरीके से जब चीजों को बार बार ही बोलोगे, बार बार ही सुनोगे तो आपको दिल और दिमाग पे छप जाएगी। मेरा यही एम है, मैं क्यों चीजों को बार बार बोलती हूँ यार, मेरी एनर्जी बहुत जाती है नो डाउट, लेकिन मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आपके लिए चीज इजी हो जाए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज लाइन। रैपिड फायर रिवीजन टेस्ट फटाफट से खेलेंगे, तो जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए रैपिड फायर रिवीजन टेस्ट का रूल क्या है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाती हूँ, उससे रिलेटेड जो भी आपको याद आता है फटाफट से लिख दिया करो, बस ये करना है आपको, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। जो भी एक चीज मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी उससे रिलेटेड जो भी वर्ड आपके दिमाग में आता है, याद आता है, मेरे सेशन में पढ़ा है, तो आपको उसको लिखना है। इससे हम क्या करते हैं, चीजों को याद कर लेते हैं यार। फटाफट से बताओ फ्रेंड, सबसे पहला वर्ड है नैना देवी फेयर। ये नैना देवी फेयर कहाँ, नैना देवी फेयर से आपको क्या याद आया? देखो इसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, सभी लोग इस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं फ्रेंड्स, दैट इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी मैंने आपको गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया कि जो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो गुजरात से है, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गाइस बताओ तुम्हें कुछ याद आया, जो भी आपको याद आया बता दो। सेशन हंस राज जी शुरू होता है ठीक 5 बजे, टू टैप टीचिंग परीक्षा, ठीक है। तो बताओ फ्रेंड्स जो ये गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे आपको क्या याद आता है? गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हमें लायंस याद आते हैं, जो लायंस होते हैं ना वो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्ट होते हैं, एंड गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रेंड्स कहां से है? गुजरात से है, दैट्स ग्रेट गाइस। एंड गरबा जो है वो गुजरात का डांस फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज जाइंट पांडा। जाइंट पांडा से कुछ याद आ रहा है? जल्दी बताओ, कम ऑन। एंड गुजरात से फ्रेंड्स ढोकला विद लेमन राइस बहुत फेमस है, ये भी हमें याद रखना है। एंड जाइंट पांडा से अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो वो भी मुझे फटाफट से बता दो क्या याद आ रहा है। जिन्हें सेशन अच्छा लग रहा है गाइज लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो, ठीक है, लाइक जरूर लगाओ, वेरी गुड। कई लोगों को लायन से टाइगर की याद आई, एंड फिर उन्हें ये भी याद आ गया कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, पेपर में भी आया था। कम ऑन गाइस बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। एंड वर्ल्ड लायन डे 10th अगस्त को होता है, वेरी गुड अनुराधा जी, शाबाश। यहां से हमें याद है चाइना, भाई जो जाइंट पांडा है ना इंडेंजर्ड एनिमल चाइना में प्रेजेंट होता है। अगला मेडिटेरियन सी से आपको क्या याद आया? वो भी मेडिटेरियन सी से याद आया फ्रेंड्स, लिख दो, कम ऑन लिख दो, मेडिटेरियन सी से जो याद आया वो लिख दो। मेडिटेरियन सी से जो याद आया लिखें, कम ऑन। चलो मेडिटेरियन सी से हमें याद आया कि ये सेपरेट करती है यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका एंड यूरोप को सेपरेट करती है मेडिटेरियन सी। टाइटन की घड़ी फ्रेंड्स, टाइटन से क्या याद आया आपको लिखें, कम ऑन। रैपिड फायर रिवीजन टेस्ट ना सभी को खेलना है, एंड अच्छे ईमानदारी से खेलना है फ्रेंड्स। इसका रीजन ये है कि हमें याद करना है सब कुछ यार। अब याद तो मैं तभी आपको करा पाऊंगी ना जब आप मेरे साथ खेलोगे, जो भी मैं आपको खिला रही हूँ। अगर मैं आपको लिंक कर करके चीजें बार बार बोल के सिखा रही हूँ तो एक गेम खिला रही हूँ। जितनी भी गेम्स मैं आपको खिलाती हूँ सब प्यार से अच्छे से इज्जत से खेला करो, उसका रीजन ये है जितना खेलोगे उतना आएगा। टाइटन फ्रेंड्स सैटर्न का मून है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट मून है, आपको याद में रखना है। गरबा कहाँ का ट्रांसफॉर्म है? गरबा, कम ऑन, ठीक है। तो गरबा मेरे दोस्तों गुजरात का डांस फॉर्म है। इसी के साथ आज का सेशन मैं करती हूँ ओवर। तो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जाने से पहले सेशन अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर आपको प्रेस करना है, लाइक ठोकना। लाइक के बारे में इसलिए बोल रहे हैं, आप लाइक करते हो ना दिल खुश हो जाता है, मोटिवेशन। सेशन से पहले लाइक आए होते हो देख के भी हैप्पीनेस से आती है, ठीक है। प्लीज सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच सरिता जी, एंड आप सभी को थैंक यू सो मच गाइस सेशन में जुड़ने के लिए। आज अच्छा फिर भी अच्छे थोड़े से बेटर लोग लाइव थे, ज्यादा लोग लाइव थे।
हो सके लोगों को लाइव जोड़ो यार, सेशन में आओ, ठीक है, अपना प्यार दो, बाकी मेहनत करके अपना प्यार तो मैं आपको दे ही रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, अच्छा पढ़ाऊंगी, सब कुछ कवर करा दूंगी, डोंट वरी, सो बाय, टेक केयर गाइस, सी यू टुमारो इन एडिटिव टीचिंग परीक्षा, कल मिलते हैं, बाय बाय, आज के लिए।